Praise the Lord. Praise the Lord. Prabhu Jesu Krishnankara Mahanamguru Dhanyabad Diye. Prabhu Aji Authare. A Mondali Re, I am Ravibar Bhavare Palan Kariva Pai Aman Kusu Jogdei Shanti. Apuni Mondali Kumodhyam Mondali Nikotanemu Kutagya. A Sundar Sujok Pai. आओ प्रभु कर सेबारे आगेबा निमन्ते आगो को बढीबा निमन्ते ए मण्डली रो प्रत्येक समय रो सहाय्य सहयोग पई विशेष भाव रे धन्यवाद दिए आउ थरे आज रे सुजोग निमन्ते मण्डली रो कर्मकर्ता मानको पालक महाशय मानको समस्त को मोर विशेष भाव रे धन्यवाद दबा संगे संगे आपण मानकु प्रत्येकु प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर सुमधुर नाम रे मो तरफ रु मो परिवार तरफ रु पुणि आईएम रो समग्र परिवार तरफ रु प्रेम नमस्कार जणाए आज आईएम रविवार आउ ए आईएम पक्षरु मु आज आपण मानक सम्मुख रे ठिया हिचि जदिबा मोर कौनसी योग्यता नहीं आओ टू बी वेरी फ्रैंक आई एम फीलिंग लिटिल बिट नर्वस आज ये प्रथम थर पाई ए पुलपिट रे जेमती संपादक महाशय कहिले ए पुलपिट रे ठिया हवार सौभाग्य मो पाई छी विश्वास करे आपण माने समस्ते मो पाई आ वही समय पाई आपण माने प्रार्थना करू छंती तेनो आसंतु आ माने वाक्य मध्य को जीवा समय यथेष्ट हेइ छी आ वाक्य मध्य को जीवा कारण प्रभु आ मानकर परमेश्वर आ मानकर कथा कहिबार परमेश्वर टंती से आजिर संध्या रे की प्रकार आ मानक सहित कथा कहिबे ता माने प्रभु को ठारु सुनिबा ता पूर्वनु निज निज को आउ थरे प्रभु को निकट रे समर्पण करी प्रार्थना करिबा वाक्य रूपी परमेश्वर तुम लोक मान को सहित तुम्हें जेतबले कथा कही थाओ तुम्हें वाक्य दे कथा कही थाओ प्रभु आजिर ए प्रतिकूल पागरे मध्य प्रभु तुम्हें अनेक को आकर्षित करिछ हाँ प्रभु ऐसा एक आशा और आकांक्षा उत्कंठार सहित ए स्थान रे प्रभु एकत्रित होइछंती हाँ प्रभु से मानकर आशा और उत्कंठा को तुम्हें देखिछ तेणु प्रभु तुम्हें से मानक सहित कथा कह आम प्रत्येक सहित तुम्हें कथा कह क्षुधित उत्तृषित अवस्था आम मैंने आसीचु आम मानकर आत्मा को परितृप्त करी तुम्हारी वाक्य परिवेशन करी आम मान को तुम्हें कथा कह हाँ प्रभु जेतबले स्थान रे आम मैंने बसीचु आम कौन सी मनुष्य मुख को नुहे जेपरी आम तुम्हारी श्रीमुख को देखू तुम्हारी मुखर सुमधुर स्वर को आम मैंने शुणबू पुणी यही स्थान रु बाहुड़ा समय रे तुम्हारी आत्मिक पूर्णता नहीं बाहुड़ा पारू साहय कर गौरव तुमको दे प्रार्थना जीशु नाम मगुअ आमे प्रिय बंधुगण अनेक स्थान रे कही हुए तो आपण मानू कई शुणी थे निश्चित भाव में कितु आज सन्धार से कथि आउ थे कहवापी चाहे जड़े व्यक्ति से गोटे दूर स्थान को स्थानांतरित हेले आउ से एकुटिया जेतबले से स्थान को गले जॉइन करिवा पाई से स्थान रे से गोटे रहिबा पाई गोटे भड़ा घर खोजिले आउ जेतबले भड़ा घर खोजी 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 बहुत लोगों को पचरा उचरा करी जाहो गोटे घर भड़ा से गोटे घर रो अनुसंधान पाइले आउ से गृह मालिकों सहित देखा करिवा को गले गृह मालिक को कहले आज्ञा मु आसी मत गोटे घर दरकार रही मु एकुटिया मो परिवार बाहर अच्छा मु एकुटिया स्थान रही आई आपणकर बहुत कोठरी अच्छी गोटे कोठरी जदि आप मत दिंते तेब ता मोपी भल हाँ से गृह मालिक जनक कहले ठीक अच्छे आ मोर तो अनेक कोठरी अच्छी तुम्हें देखनीय कौ घर रूमटा तुमको पसंद हम तुम्हें सुविधा हम से रूम गुड़िक देखिले आ गोटे रूम को
से सिलेक्ट कले कले हाँ यही घर यही रूम टी मो पाई भला हबो मु यही रूम रे रही भी आओ घर मालिको जन को कहले देखन तू यही घर पाई आपन को यही रूम पाई आपन को मासिक 5000 टका घर भाड़ा देबा को पड़िबो तो भद्रलोक जन को कहले आज्ञा मु एकुटिया रहिबी गोटिए रूम रे रहिबी 5000 टका 5000 टका देकि मु केमति रहिबी आज्ञा आपन टिके कंसीडर करंतु टिके चिंता करंतु मते टिके सुविधा रे घरटे दियंतु सेठ घर मालिक कहले ठीक अछि तमे केते पैसा देई पारिबो ये कहले आज्ञा मु 1000 टका देई पारिबी 1000 टका दे परिबो ठीक अछि 1000 टका रे मु राजी अछि तमे रुह किंतु मोर गोटे शर्त अछि घर मालिक गोटे शर्त रखु चंती मु 1000 टका रे तमको ई रूम टी भडा देबी किंतु मोर गोटे शर्त अछि शर्त टी हैला एई रूम भितरे तमे पूरा रूम टी तमर किंतु मोर गोटे मात्र जिंस मु सेई रूम रे रखिबी ए भद्रलोक चिंता कले हां गोटिए जिंस रखिबे कोन गोटे अलमेटे रखिबे कि गोटे टेबलटे रखिबे कि कोन गोटे रखिबे सेतरे ई भद्रलोक राजी हे गले ठीक अछि तांकर जहां एग्रीमेंट हवा कथा हे गला ओ भद्रलोक रहिबा पई आसीले घर द्वार सफा सुथरा कले प्रथम दिन आसी के घरे रही चंती राति रे सोई चंती आ जत बेले राति रे सोई चंती प्राय मध्यरात्र समय राति 12 टा के गोटाए बेले हबो कबा ठक 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 खेला ये उठिले दिन जाको क्लांत हि चंती बड़ क्लांत शरीर रे से उठिले उठी की कबाटी खोलिले की देखिला बळ को सामना रे से घरम ओनर थिया हि चंती कोन हला आज्ञा ना आज्ञा मु आपन को कहिथिली मोर गोटे जिंस मु रखिबी ना हां हां हो हला कौन रखिबार अछि रखंतु ए भद्रलोक घर भीतर पसिले तांको हातरे गोटे कंटा थिला आ गोटे हातुड़ी थिला से कौन कले आसीले घरर गोटे कोणरे गोटे कंटा पिटी देकी पळेले जीवा पूर्वरु कहि कि गले एथर सुअंतु निश्चिंत रे सुअंतु किछि असुविधा नै गला ये कबाट बंद करी पूणी सोइले घंटे खंडे जाइछि ना नै राति गोटे कि दीटा बेळ हबो पूणी कबाट खटखटेला कौन हैला आज्ञा पुणी कुआडे ना मु कहिथिले ना जिंस रखिबी कंटाटा ना मोर गोटे कोट मु एठी रखिबी से गोटे कोट से कंटा रे झुलै दे पळेले एथर कहले एथर ना शांति रे सुअंतु किछि असुविधा नै केइ डिस्टर्ब आपन करिवेनि ल जाहु एल भदल कहले हौ दीटा हौ पछे बड़ क्लांत पुणी सकाळ उठि के ऑफिस जिवार अछि काम करिवार अछि हौ ठीक अछि पुणी सोइले आज्ञा राति 4टा पुणी कबाट खटखट खोलिले देखला बेलू भद्रलोक ठिया होती आज्ञा कौन है एथर ना मु मॉर्निंग वॉक रे जीवी तो मत कोटा दरकार मु टिके कोटा पिंधिकी जीवी हौ नेले कोटी नेले पिंधिले मॉर्निंग वॉक रे बाबू चलिले तापर ये भद्रलोक कहले 4टा तो बाजिची आ घंटा 2 घंटा तो मु सोई पारिबी पुणी आ घंटे 2 घंटा सोइबा पई चेष्टा कले आज्ञा 5टा 5:30 हे चिन्हा नाही भद्रलोकर मॉर्निंग वॉक सरी गला पळे आसीले पुणी कबाट ठक ठक कोन हैला आज्ञा ना मोर मॉर्निंग वॉक हे गला मु कोटा रखिया को आछ प्रिय बंधुगण अनेक समय रे एई प्रकार अम्मान को जीवन रे आसी थाए एई भद्रलोक जेते बेले बारंबार ए प्रकार डिस्टर्ब हैला देखिले से भद्रलोक कहले आपण 5000 टका नियंतु मोर चिंता नहीं किंतु ए पूरा घरटी मते दियंतु कोनोसी कंटा नहीं कोनोसी कोट नहीं पूरा संपूर्ण घरटी मते दियंतु अनेक समय रे आम माने प्रभु को आम मानकर जीवन को देई थाओ किंतु अनेक समय रे आंशिक भाव रे देई थाओ जद्वारा कि आ जो आंशिक भाव रे आमे प्रभु को देई थाओ आमे प्रभु को पाखरे बा प्रभु को सहित जीवन यापन करबा अपेक्षा
ସୈତାନ ର ଇଣ୍ଟରଫିୟରାନ୍ସ ଆମ ଜୀବନରେ ଅନେକ ବେଶୀ ଆସିଥାଏ ତେଣୁକରି ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟ ପୁଅ ଝିଅମାନେ ଯଦି ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ତୁମର ଜୀବନ ମୋତେ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ତୁମେ ମୋତେ ଦିଅ ଟୋଟାଲ ଲାଇଫ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଲାଇଫ ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଅଂଶଟି ଆମମାନେ ପାଠ କଲୁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପାଉଲେ ଲେଖନ୍ତି ତିତସଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଉ ଲେଖୁଛନ୍ତି ବାର ପଦରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ଅଧର୍ମ ଓ ସାଂସାରିକ ଅଭିଳାଷକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ଯେଉଁ ଯୁଗରେ କି ଶୈତାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସକ୍ରିୟ ଆଉ ସଦାସର୍ବଦା ଆମମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ସିଂହ ପ୍ରାୟ ଗର୍ଜନ କରି ଘୁରି ବୁଲୁଛି ଏଇ ସମୟରେ ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ସୁବୁଦ୍ଧି ଧାର୍ମିକ ଓ ଭକ୍ତ ଭାବରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ ଅନେକ ବିଷୟ ଅଛି ତା ଭିତରେ ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ଧାର୍ମିକ ଭାବରେ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତ ଭାବରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ତେର ପଦର ଶେଷରେ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଛି ପୁରା ପଦଟି ମୁଁ ପଢ଼ୁନାହିଁ ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଏଣେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁ ଅଧା ଏପଟେ ଅଧା ସେପଟେ ନୁହେଁ ଦୁଇ ଗୋଡ଼ରେ ନାଁ ଦେବା ଦୁଇ ମୁନିବର ଦାସ ହେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଙ୍କର ବିଷୟ ବୋଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ ତେଣୁ ଧାର୍ମିକ ଜୀବନଯାପନ ପାଇଁ ଐଶ୍ୱରିକ ଜୀବନଯାପନ ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଷୟ ଆଜି ଆମମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମମାନେ ଯଦି ପଚରାଯାଏ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ପଚରାଯାଏ ଆପଣମାନେ ହୁଏତ ଉତ୍ତର ଦେବେ ହଁ ମୁଁ ଏକ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛି ଆଇ ଆମ୍ ଲିଡିଂ ଏ ଗଡ୍ଲି ଲାଇଫ୍ କିନ୍ତୁ ଆଜିର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ନେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଆମମାନେ ଏକ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛୁ ନା ନାହିଁ ଆସୁ କେତେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଷୟର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର କାରଣ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ମେକ୍ସ ଦ ମ୍ୟାନ୍ ପରଫେକ୍ଟ ଆଉ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଗୋଟେ ଏପ୍ରକାର ଜିନିଷ ବାରମ୍ବାର ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତି ଆଉ ତାହା ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ କି ନାହିଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲେ ତା ଅଟୋମେଟିକାଲି କ'ଣ ହୋଇଯାଏ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ ତେଣୁ ଗଡ୍ଲି ଲାଇଫ୍ ବା ଈଶ୍ୱରୀୟ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଷୟକୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ନିତ୍ୟ ନୈମିତ୍ତିକ ଜୀବନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ଜୀବନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଜୀବନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟର ଜୀବନରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାହାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବାର ପ୍ରୟୋଜନ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଷୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତାରି ଭିତରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛୁ ନା ନାହିଁ ଅନେକ ବିଷୟ ବାକ୍ୟ କହେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଅଳ୍ପ କେତୋଟି ବିଷୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖିବି ସମୟର ବାହୁଲ୍ୟତା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଯାହା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଭରସା କରିବାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ମେକ୍ସ ଦ ମ୍ୟାନ୍ ପରଫେକ୍ଟ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସବୁ ସମୟରେ ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ସବୁ ବିଷୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଭରସା ରଖିପାରୁଛୁ
সেইটা হি আমমানকু ঈশ্বরীয় জীবন পাই এক প্রথম বিষয় অটে তাঙ্ক উপরে সম্পূর্ণ ভাবরে বিশ্বাস করিবা আর তাঙ্ক উপরে সম্পূর্ণ ভাবরে কোন করিবা না ভরসা করিবা হিতোপদেশ তার তিন পর্ব পাঁচ ছ পদরে লেখা যায় তুমি সর্বান্তকরণরে কোন সর্বান্তকরণ সহিত সদাপ্রভুঙ্কঠারে বিশ্বাস কর ও নিজ সুবিবেচনারে আউজি পড় নাহিঁ প্রিয় বন্ধুগণ অনেক সময়রে আমমানক নিজর জ্ঞান বুদ্ধি শক্তি সামর্থ্যতা দ্বারা আমি ভাবু আমি উই ক্যান ডু এভ্রিথিং আমি সেই সময়রে অনেক সময়রে ঈশ্বরঙ্ক উপরে ভরসা করিবা ঈশ্বরঙ্ক উপরে নির্ভর করিবা ঈশ্বরঙ্ক উপরে বিশ্বাস করিবা ছাড়ি নথাও ছাড়ি দেই থাও প্রিয় বন্ধুগণ আমমানকর নিজর জ্ঞান নিজর বুদ্ধি নিজর শক্তি নিজর সামর্থ্য নিজর টঙ্কা নিজর ব্যাঙ্ক ব্যালান্স নিজর যা কিছু কইপারন্তি দিস ইজ মাইন অনেক সময়রে আমি দিস ইজ মাইন এই যে দিস ইজ মাইন বিষয়গুড়িক আমমানকু গডলি লাইফরে সবুঠারু বড় বাধার বিষয় প্রিয় বন্ধুগণ ঈশ্বরীয় জীবনযাপনরে এয়া হচ্ছে প্রথম বাধার বিষয় শয়তান এয়াকু বড় অস্ত্র ভাবরে আমমানক জীবনরে ব্যবহার করে অনেক ঐশ্বর্য আমমানকু দেইপারে অনেক জ্ঞান দেইপারে বুদ্ধি দেইপারে অনেক ডিগ্রি আমি পাইপারু অনেক অনেক কিছু করিপারু আমমানে কিন্তু যদি ঈশ্বর বিষয়ক ভয় আমমানকথারে নথায় তেবে জ্ঞানর আরম্ভ হয়ে নথায় কারণ বাক্যরে কোন লেখা গলা ঈশ্বর বিষয়ক ভয় জ্ঞানর আরম্ভ আমি জগতর সমস্ত জ্ঞানরে জ্ঞানী হয়ে থাই পারু সত কিন্তু ঈশ্বর বিষয়ক ভয় আর ঈশ্বর বিষয়ক ভয়কু অন্য ভাবরে কহিবাকু গলে ঈশ্বরঙ্ক উপরে বিশ্বাস আর ঈশ্বরঙ্ক উপরে ভরসা দ্বিতীয় বিষয় আমমানে ঈশ্বরঙ্কর ঈশ্বর গডলি লাইফ পাই ঈশ্বরীয় জীবন যাপন পাই আও এক প্র্যাকটিসর বিষয় রহিছি যাহাকি আমমানকু প্র্যাকটিস করি করি তাকু আমমানকর হ্যাবিটসরে পরিণত করিবার রহিছি দ্বিতীয় বিষয় হেলা নিয়মিত ভাবরে বাক্য অধ্যয়ন নিয়মিত ভাবরে বাক্য অধ্যয়ন বাক্য যাহাকি আমমানকু কোন করে না সার্পেন করে উপযুক্ত জ্ঞান উপযুক্ত বুদ্ধি আমমানকু এই বাক্য হি প্রদান করি থায় আও এই বাক্য হি আমমানকু আমমানকর পথ চালিলা বেলে তুম্ভ বাক্য মো চরণ পাই কোন হেলা তুম্ভ বাক্য মো চরণ পাই প্রদীপ আও পথ পাই আলুয় অটে অতি সমস্তঙ্কর মু সবুবেলে কয়ে দিস ইজ মাই অল টাইম ফেভরেট ভার্স এই বাক্য অধ্যয়ন নিরন্তর অধ্যয়ন করিবা নিয়মিত ভাবরে অধ্যয়ন করিবা সিস্টমেটিক্যালি অধ্যয়ন করিবা আর এই বাক্য দ্বারা আমমানে প্রভুঙ্ক সহিত আমমানকর নিবিড় সম্পর্ক স্থাপিত হুয়ে গীতরচক জীবনরে আমি যদি দেখু প্রথম অধ্যায়ে গীত সঙ্গীত প্রথম অধ্যায়ে প্রথম আর দ্বিতীয় পদরে কোন কহন্তি হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক তাহাঙ্কর বাক্য ধ্যান যে মানে যে লোক মানে তাঙ্কর ধ্যান বাক্যকু ধ্যান করন্তি প্রত্যেক সময়রে ধ্যান আমি যদি আজি ফার্স্ট আমমানকর পাস্টর বাবু রিডিং কলে সাম 119 অনেক জায়গায় গীত রচক এই বাক্য অধ্যয়ন উপরে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছেন সে কি প্রকার ভাবরে তাঙ্ক জীবনরে বাক্য অধ্যয়নকু গুরুত্ব দিয়েছেন প্রিয় বন্ধুগণ বাক্য অধ্যয়ন সবু সময়রে যেতে পর্যন্ত বাক্য আমার সাঙ্গরে রয়েছে বাক্য আমি অধ্যয়ন করু সেতে পর্যন্ত
आम्माने कौन करी था ईश्वर विषय का ज्ञान रे आम्माने वृद्धि पाई था उपदेश का तार दस पर्व दस पद रे लिखा जाए लुहा जदि दंथड़ा हुए तही रे अधिक बल प्रयोग करबा पई पड़िबो ताकु सेति पई कौन दरकार दैट शुड बी शार्पन ताकु तीक्ष्ण करबा दरकार आ ए तीक्ष्ण कोटर हुए ना वाक्य वाक्य कौन हुए वाक्य विषय रे कौन कह जाए ए वाक्य कौन दुई धार खड्ग प्रिय बंधुगण जत पर शैतान ना एटा को बड़ भयंकर भाव रे डरे कारण शैतान भी जाने भलो भाव रे आपन को ठो मोठ से अधिक भलो भाव रे जाने एटा होची दुई धार खड्ग प्रिय बंधुगण एई दुई धार खड्ग को जते पर्यंत आपन पाखे रे रखी चंती सेते पर्यंत शैतान आपन को पाखे को पसिबानी कारण से जानते शैतान जाने आ पाखे रे दुई धार खड्ग रहिची को मुहूर्त रे मयान रु बाहर करिवो आ मो सहित मते निपात करि दवो तेणु वाक्य अध्ययन वाक्य सहित निरंतर लागि रहिबा नियमित भाव रे वाक्य अध्ययन करिबा वाक्य पाठ करिबा केवल सकाळु नियमित बारे आम्मानकर प्राइम मंडळी मानकरे एही प्रकार देखा जाए जे प्रकृत प्रातः कालरु सकाळे आगे उठिबे आ उठिकि टिके कोण गुणगुण हे कि बाइबल टिके पढ़ी देबे पदे अधे प्रार्थना करि देबे बस सहिला नॉट दैट मते जने बंधु कहले भाई आपण एते कथा कहउचंती आपणकर काम हैला दिन राती रही वाक्य पढ़िबा वाक्य आलोचना करिबा वाक्य विषय चिंता करिबा आमर तो हजारे काम आमे ऑफिस जाउछु आम परिवार विषय चिंता करुछु ऑफिस रे अनेक दायित्व आमे कार्य करुछु आम पाके वाक्य अध्ययन करिबा पई समय काई अनेक समय रे शैतान एई भेग एक्सक्यूज आम मानक जीवन रे आनी थाए प्रिय बंधुगण एई अभ्यास आपण मानक जीवन रे रखिया पाए आज प्रभु आपण मानको आह्वान करंती नियमित भाव रे एई अभ्यास जाके एई विषय को प्राक्टिस करंतु आ दिने ना दिने देखिबे से हैबिट रे बदली जीव शेषरे आपण कहिबे ना जहां भी हे जाउ जहाँ भी हे जाऊ आगे मु वाक्य अध्ययन करिवे तापरे जो कथा प्रिय बंधुगण आमे जेतबेले ईश्वर को अग्राधिकार देई थाउ सेतबेले ईश्वर आम्मानकर अन्य समस्त विषय रे से आम्मान को साहाज्य करिथांती तृतीय विषय जा प्रभु आम्मान को ठारु अपेक्षा करंती गोटे ईश्वरीय जीवन यापन पई ताहेला नियमित भाव रे प्रार्थना आ धन्यवाद दबा नियमित भाव रे प्रत्येक समय रे थेसलोनिके पुस्तक रे प्रथम थेसलोनिके 5 पर्व 17 पद 18 पद रे कोन लेखा जाए कोन प्रे विदाउट सीजिंग निरंतर प्रार्थना कर सबु अवस्था रे धन्यवाद दियो प्रिय बंधुगण मोर किछि वर्ष तळे मो भाई को मो हरै छी आ मोर बड़ भाई को जेतबेले हरैथिले आ सेई समय रे आ मो आई भाई आ के पास्टर थिले हमरो सेतबेले से आमो घरे प्रार्थना करूथिले आ जेतबेले भाई कर डेड बॉडी थैथिला आ सेई समय रे आमो घरे प्रार्थना चलीथिला सेई समय रे मोर केते जने हिंदू सांग मो घर को आसीथिले से प्रार्थना से माने मन देई सुनी चंती मनदे सुनी से माने मते कहउचंती किरे गोटे लोक को मरी की पड़ी छी आ तमे गुडे धन्यवाद करू छ मु कहली सेई कथा प्रभु आम मान को सिखै चंती दैट इज द डिफरेंस बिटवीन यू एंड मी एटा ही होउ छी तम आ आम भितरे पर फरक सब अवस्था रे धन्यवाद दबा सब परिस्थिति रे आमे ईश्वर को धन्यवाद दबा कारण गीत संगीता 63 अध्याय रे लिखा जाए सर्व सृष्टि रे से होचंती कर्ता आ सब अवस्था रे आमे तांकर धन्यवाद दबा होची आ मानकर कर्तव्य प्रिय बंधुगण तणु तांकर धन्यवाद दबा सब अवस्था रे आ प्रथम पितर चारि पर्व सात पद रे देख जेतबेले अंतिम काल सन्निकट सेई समय रे लेखा जाए तुमे माने सुबुद्धि होई प्रार्थना करिबा निमन्ते सचेतन था
प्रभु शिष्य मानू कहले दंडे मात्र तुम्हें जाग्रत ही रही पार्लानी प्रिय बंधुगण प्रभु आम मान चाहती एक निरंतर प्रार्थनार जीवन आम मान जीवन में आम मैंने प्रार्थना को केते गुरुत्व दौचु आम जदि जीशुंकर जीवनी देखु तादेन अनेक जगह लेखा जाए अपराहता अंधार थिबा समय रे प्रभु जीशु निर्जन स्थान को चली जाऊ प्रार्थना करूले शिष्य मैंने भावुले बोधे जीशु आमको छाड़ के पलैले खोजी खोजी जाखे पहुँचुले कहले कहते प्रभु आपण ये अच्छा ये निर्जन स्थान अच्छा सियाड़े आम समस्त आपन को खोजुचु तांकर एटा गोटे अभ्यास थिला प्रत्येक दिन प्रायत अंधकार समय रे अति पहांतरे से उजाई निर्जन स्थान रे प्रार्थना करूथिले प्रिय बंधुगण दाऊदंकर प्रार्थनार जीवन विषय रे आमी जानु दानियलकर प्रार्थनार जीवन विषय रे जानु प्रभु आज आमान को आपण को आ मते पचारंती तोर प्रार्थनार जीवन कौन जदि प्रकृत रे एक ख्रीष्टीय गॉडली लाइफ ख्रीष्टीय जीवन जापन आम मैंने चाहूँ ताले आम मानकर प्रार्थनार एक गुरुत्वपूर्ण विषय आम मान जीवन रे रहिबा दरकार सबु अवस्था रे सबु परिस्थिति रे निरंतर प्रार्थना करिबा आउ ताहंकर धन्यवाद करिबा तृतीय विषय चतुर्थ विषय सबु अवस्था रे ईश्वरंकर बाध्य हवा सबु अवस्था रे ईश्वरंकर बाध्य हवार एक प्रैक्टिस आम मान जीवन रे रहिबा दरकार अनेक समय रे ईश्वर आम मान को ए प्रकार परिस्थिति मान करे आणती ए प्रकार निर्देश माने आम मान को दियंती जहाँ कि आम मान को बड़ असंभव लगे प्रभु एक ही कथा कहुच एक ही कथा कहुच मत करवाई पड़ अब्राहम को कहगला तमें पाके तुमको एत वर्ष बयस जो गोटे पुओ तुमको मुझे तुम्हें सेटा दे दि प्रभु जत अब्राहम ये कथा कहले अब्राहम को एक कथा प्रभु जत कहले आउ अब्राहम बिना वाक्य व्ययरे कौन सी प्रश्न नहीं नो क्वेश्चन एट ऑल नो आर्गुमेंट नथिंग आओ से बाध्य ईश्वरंकर बाध्य ईश्वरंकर बाध्य प्रभु कही नथिले जे तमे सारा को जणैबनी बोली कहिथिले कही नथिले किंतु सारा को तथा से जणै नथिले सारा को काहेकि जणै नथिले काले सारा को जणै देला परे सारा मझीरे ता भितर जदि के पुरे देले नाई मोर गोटे पु मु जमा देवी तमे प्रभु को संगे जा कुच कर प्रभु को मना कर हुए तो ए प्रकार परिस्थिति आसी पारे एक घर कंदल सृष्टि पारे से सारा को मध्य जणैले चलले ईश्वरंकर आज्ञा बह प्रिय बंधुगण आम मानकर प्रिय प्रभु जीशु सबुठारु बड़ आम मानक एग्जाम्पल प्रभु जीशु ख्रीष्ट शिशु रूप से जगत को आसवा पूर्वर से जानते जगत को आसवर अच्छी चिंता करूँ मुझे कल्पना करे कै प्रकार भाव एटा मोर कल्पना प्रिय बंधुगण हुए तो पिता ईश्वर से दिन प्रभु जीशु को कही थे बाबूरे तते ना जगत को जीवाक पड़ब जगत रे तते क्लेश भोगिबा को पड़ब लांछित होगा पड़ब तते बहुत प्रकार निर्यातना दिया जीवा पड़ब तापर तते अति भयंकर भाव रे क्रूस ऊपर तते टंगे दिया जीव आ तु मृत्यु भोग करिवो सेतबेले जेतबेले पितांक ठु से सुनुथिबे सब कथा मु आउ आपण माने हिथिले कोन करि थांतु कहिथांदु बाबा मत ए वर्षटा क्षमा कर दियो ए वर्ष ना आर वर्ष को मुझी नाई काली नाई आउ किछि दिन जाउ जीवी एबे टिके मो देहटा भलो लागुनी केते प्रकार बहाना आमे दे थांतु किंतु आम मानकर प्रभु जीशु पितांकर बाध्य होइ पड़े आसिले जगत को ईश्वर चाहती एक बाध्यतार जीवन
ईश्वर चाहती सब एक बाध्यतार जीवन ईश्वर मनोरमत जीवन से दाऊदंकर विषय लिखा जाए से ये ईश्वर बाध्य से दाऊदंक विषय साक्ष्य दिया जाए ये ईश्वर मनोरमत व्यक्ति मनोरमत व्यक्ति प्रिय बंधुगण प्रभु मानकु तांकर मनर मत व्यक्ति करबा चाहती आती बाध्यतार एक प्रैक्टिस आम मैंने आम मान जीवन रे करू प्रभु आम मान से प्रकार भाव आम जदि रेफरेन्स नवा तो बहुत विषय अच्छी घंटा किंतु बहुत जोर चलुचे पंचम विषय बहुत कष्टर विषय मु कहिबा आगुरु अनेक हुए तो बुझी सारी थिबे क्षमा दबार अभ्यास क्षमा दबार अभ्यास जोटा कि आम मान जीवन रे अत्यंत कष्टकर विषय जेमिति मु आपन को कहली प्रभु जीशु होउछंती आम मानकर आदर्श प्रभु से क्रूस उपरे जो प्रकार भाव निर्जातित होते जो प्रकार भाव निर्जातना दि जाऊला जो प्रकार कष्ट से थिले, से प्रकार कष्ट से कहते पिता ईश्वर निकट में प्रार्थना करे पिता एम को तुम्हें क्षमा कर से प्रकार क्षमा से आम मानु अपेक्षा करती एफिसी तार चारि पर्व बतीस पदर लिखा जाए ईश्वर ख्रीष्ट तुमको जो प्रकार भाव क्षमा कले से तुम्हें परस्पर को कौन कर ना क्षमा कर मार्क एगार पर्व पचीस छब्बीस पदर आम जदि देखा से स्थान रे लिखा जाए तुम्हें प्रार्थना करने पूर्व नैवेद्य सजाड़ा पूर्व ता विरुद्ध जदि किसी तुम पाखे रही तेरे नैवेद्य को से स्थान रखि दिया आ जाओ उठे जाई प्रथम क्षमा कर यु कि नुआ विषय मुक निकट आज कहूनी आम समस्ते बहुत पुराणा लोक बहुत पुराणा ख्रीस्टियान अनेक पुरुष धरी आम मैंने ख्रीस्टियान प्रभु को अति निकट रू आम मैंने जाणु तथापि अनेक समय रे क्षमा करने आम बड़ कुंठा बोधे था आम मान क्षमा कौ प्रकार क्षमार अपोजिट हो प्रेम मु अनेक समय रे प्रकार क्षमार अपोजिट हो प्रेम ताकू बुझेवाई मो पाखे समय नहीं आम प्रकार कौन ना मो मंडली भाई आपण विश्वास करतु मंडली प्रत्येक लोक मु भारी भल पाए बहुत भल पाए ताई मोर प्राण इत्यादि इत्यादि विषय किंतु से जो ओरेल भाई बस ना दि आखिर मुझे जमा देखिपे एक प्रकार प्रेम आम मानकर एक प्रकार क्षमा आम मानकर क्षमा करिवार अच्छे पूरा भल भाव संपूर्ण भाव क्षमा लुक तार छ पर्व सैंतीस पदर जो प्रकार भाव लिखा जाए विचार कर ना जदि तुम विचार करुच ताले विचारित हो कौन लिखा जाए तेरे दोषी कर ना ताले तुम्हें जदि दोषी करुच ताले दोषीकृत हम आउ तापर लिखा जाए क्षमा कर तुमको क्षमा इसे प्रोसेस ऑफ गिव एंड टेक क्षमा जदि दब ताले क्षमा पाइब प्रिय बंधुगण क्षमाटा मन को प्रभु खाली दे दिंती क्षमाटा आम निज हाथर कथा आमे जदि क्षमा दौचु ताले आमे क्षमा पाइब आमे जदि क्षमा न देचु ताले प्रिय बंधुगण आम पर क्षमा ना आम पाई क्षमा ना हुए तो मोर भाषा टिके रुक्ष हो जाऊ प्रिय बंधुगण किंतु प्रभु यही कहती जदि तुम क्षमा देउछ ताले क्षमा पाइब जदि क्षमा देन जीवन रे ताले क्षमा केबे हे पाई पारिबो नाही षष्ठ विषय पवित्र आत्मा को धरी रखिवार अभ्यास प्रभु जीशु गले आ जीवा पूर्वर को कही गले मु गले से सत्य आत्मा तुम मान पाक आसबे जे तुम सांगे रे रहिबे
who will dwell with you. Je tamo sangare rahibe sabu avasthare sabu paristhiti re tu amo sangare rahibe kintu bakya re ei prakar prerita pustaka satoparva 51 padare lekha jae mor mona pade he sakta griba loko mani je tumbe mane sarvada pavitra atmanku pratirodh karuacha पवित्र आत्मा परमेश्वर अम्मान को मध्य को आशीर्वाद पाई चाहती अम्मान को सही तरह रहिवा पाई चाहती अम्मान को मध्य रे रहिवा पाई चाहती किंतु आमे अनेक समय रे कहि थाउ हे पवित्र आत्मा तमे मो निकट को आशीर्वाद दरकार नै तमे जोठि अछ सहीठि था अनेक समय रे आमे पवित्र आत्मा को प्रतिरोध करि थाउ प्रिय बंधुगण एही पवित्र आत्मा को धरि रखिबा अत्यंत गुरुत्वपूर्ण विषय प्रिय बंधुगण पवित्र आत्मा को धरि रखिबा सब अवस्थाए कारण एही पवित्र आत्मा जे कि प्रकृत रे अम्मान कर गॉडली लाइफ पाई ईश्वरीय जीवन पाई से अम्मान कर मार्गदर्शक अटंती से अम्मान कर दिग्दर्शक अटंती से अम्मान कर पथ प्रदर्शक अटंती आ अम्माने यदि वाक्य रे लिखा जाए अम्मान कर पाद यदि डाण बाम को बा दक्षिण को फेरे तबे पश्चात भाग रे तुमे एही कथा सुनिबो पथ एही पथ रे चल या केवल पवित्र आत्मा परमेश्वर अम्मान को कही थांती तनु प्रिय बंधुगण पवित्र आत्मा को धरि रखिबा अत्यंत गुरुत्व विस्पूर्ण विषय प्रश्न आपण करि परंती केमिति पवित्र आत्मा को प्रधरि रखिबा सेई प्रश्न रो उत्तर मो पाके जदिबा अछि मु वर्तमान आपण को दबा पाइ मो पाके रे समय नै अम्मान कर बहुत सुंदर पालक प्रभु अम्मान को देइ छंती एई दुई जो पालक आम सम्मुख रे बसी छंती प्रिय बंधुगण आसंतु ए जटिल प्रश्न आसी सेमान को सहित शेयर करंतु आ सेमाने आपण मान को मोठारु अति भल भाव रे बुझेई देबे हाउ टू माने पवित्र आत्मा को कि प्रकार भाव रे आमे होल्ड ऑन करिके रखी परिबा पवित्र आत्मा को कि प्रकार भाव रे धरि रखी परिबा रखिया को परिबा प्रिय बंधुगण पवित्र आत्मा को धरि रखिबा एफिसी तार 8 पर्व 5 पर्व 18 19 पद रे लेखा जाय तमे आत्मा रे पूर्ण स्त्रोत ओ आध्यात्मिक संकीर्तन द्वारा परस्पर को उत्साह दिय पुनी ईश्वरंकर संगीत गान कर आत्मा रे पूर्ण होई प्रिय बंधुगण अम्मान को निकट रे सुंदर एक कयर अछंती से माने आत्मा रे पूर्ण होई गीत गांती सत आउ धथरे जने पालक से प्रभु को कोळ को गले आ प्रभु को कोळ को गले जे तबले देखु छंती अनेक गुडी संगीत दल गीत गाउ छंती आ गीत गाउ तारी भितरे से पचारु छंती मो मंडळी रो संगीत दल कहंती मु तो सेमान को देखि पारुनी दूत जनक कहु छंती तम मंडळी रो संगीत दल गोटिए हेले लोक एही स्वर्गीय संगीत दल रे मिसी पारि नाहंती ना काही की काही एते सुंदर भाव रे आउ से माने संग गीत गान करु छंती एते एते सुंदर भाव रे करु छंती ना हां से माने एते सुंदर भाव रे आपण को मंडळी रे करु छंती किंतु हृदय रे ईश्वरंकर आत्मा रे परिपूर्ण होई से प्रकार करु नाहंती क्षमा करिवे मोर संगीत दल रो भाई भोनी माने मु आपण मान को आक्षेप करबा उद्देश्य रे कथा कहनी प्रभु चाहंती आत्मा रे पूर्ण होई तांकर गान संकीर्तन करी आ प्रभुंकर गौरव करबा एक ईश्वरीय जीवन यापन करबा प्रथम थेसलोनिकी तार 5:19 रे लेखा जाय आत्मा को निर्वाण न कर क्वेंच नॉट द स्पिरिट आत्मा को निर्वाण न कर पुणि एफिसी तार 4 पर्व 30 पद जदि पढिबे तादरे लेखा जाय आत्मा को दुख दियो नाही जेतबेले आमे आत्मा को प्रतिरोध करि थाउ आत्मा दुखित होइ थांती प्रिय बंधुगण आज मो पाई आ आपण मान को पाई एहा एक चैलेंज रो विषय मु आ आपण माने कोन आत्मा को प्रतिबाधा करूछु कि पवित्र आत्मा परमेश्वर अम्मान को मध्य को आशीर्वाद पाई चाहंती प्रभु सप्तम आ शेष विषय कहिया मु शेष करबी अवश्य आउ केतो गोटे विषय भी मो पाखरे थिला किंतु समय अनुसार मु ए सातटी विषय को संगे नै के आसी छी
ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଅଭ୍ୟାସ ଗଡ଼ଲି ଲାଇଫ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଅଭ୍ୟାସ ଆମମାନଙ୍କର ରହିବା ଦରକାର, ଦାନ ଦେବାର ଅଭ୍ୟାସ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦାନ ଦେବାର ଅଭ୍ୟାସ, ପୁଣି ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦାନ ଦେବାର ଅଭ୍ୟାସ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଅନେକ ପ୍ରକାର ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି ସେଇ ମଧ୍ୟରୁ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଦେବା ପାଇଁ ଅଭ୍ୟାସ ରଖିବା ଉଚିତ, ଆମମାନଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ରଖିବା ଉଚିତ। ଥରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ମହାନ ଦାସ ଥରେ କହୁଥିଲେ, ଗୋଟେ ଇଲଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଦେଉଥିଲେ, ଜଣେ ମହିଳା ତାଙ୍କର ଆମଦାନୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସର ଆମଦାନୀକୁ ଆଣନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହକାରେ ବସନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମୋର ଏଇ ମାସର ଆୟକୁ ମୁଁ ତୁମ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରିଅଛି, ତୁମର ଯାହା ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅଛି ଗ୍ରହଣ କରିଦିଅ, ଯାହା ତଳେ ପଡ଼ିଲା ସେଟା ମୋର। ସେଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରଭୁ କେତେ କ'ଣ ଉପରୁ ନିଅନ୍ତି ସେଇଟା ସିଏ ଜାଣିଥିବେ, ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଥିବେ। ଏହି ପ୍ରକାର ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନେ ଦାନ ଦେବା ବିଷୟରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଏହି ପ୍ରକାରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିଥାଉ। ବାକ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଏ, ଲୁକ ତାର 6:38 ଲେଖାଯାଏ, ଦାନ କର ତାହେଲେ ତୁମକୁ ଦିଆଯିବ, ମାଣକୁ ଭରି ଭରିକା ଉଛୁଳେଇକା ତୁମେ ଦାନ କର, ଯେଉଁ ପ୍ରକାରେ ତୁମେ ଦାନ କରିବ ସେଇ ପ୍ରକାରେ ତୁମକୁ ଦିଆଯିବ। ଦୟାକରି ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ଆମେ ଖୋଲିବା, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ବାଇବେଲ ଅଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ଥୀ ତାର 9 ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖେ ବାଇବେଲ ଅଛି, 9 ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ଥୀ ତାର 9:6 ଆମେ ଅଳ୍ପ ଅଂଶ ପଢ଼ିବା, ମୁଁ ତା ଉପରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବିନି କେବଳ ପଢ଼ିବି। ଲେଖାଯାଏ, ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ ଅଳ୍ପ ବୁଣେ ସେ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ କାଟିବ, ଯେ ଯେତିକି ବୁଣିବ ସେତିକି କାଟିବ। ଲେଖାଯାଏ, ଆଉ ଯେ ପ୍ରଚୁର ବୁଣେ ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚୁର କାଟିବ। 7 ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଆପଣା ଆପଣା ହୃଦୟରେ ଯେପରି ସଂକଳ୍ପ କରିଅଛି ସେହିପରି କରୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଯାହା ସଂକଳ୍ପ କରିଅଛନ୍ତି ତାହା ହିଁ କରନ୍ତୁ, ସଂକଳ୍ପ ଅନୁସାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆଉ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରକାର ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଏ। ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସଂକଳ୍ପ କରିଛନ୍ତି, କେଉଁ ପ୍ରକାର ଆଗରୁ ଆମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁସ୍ତକ ଅନୁଯାୟୀ ଦଶମାଂଶ ଗୋଟେ ବାଧ୍ୟତାର ବିଷୟ, କିନ୍ତୁ ନୂତନ ଅନୁଗ୍ରହର ଯୁଗରେ ଏଇଟା ବାଧ୍ୟତା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଏକ କ'ଣ କହିବି, ଆକୁ ଗୋଟେ ଏହା ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ବୋଲି ଧରିପାରନ୍ତି ଆପଣମାନେ। ଆପଣମାନେ ନିଜେ ସଂକଳ୍ପ କରନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ସଂକଳ୍ପ କରୁଛି ଏଇ ଅଂଶ ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଦେବି ବୋଲି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ତାପରେ ଲେଖାଯାଏ କ'ଣ, କୁଣ୍ଠିତ ଭାବରେ ନୁହେଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନେ ଦାନ ଦେଲାବେଳେ ବଡ଼ କୁଣ୍ଠିତ ଭାବରେ ଦାନ କରିଥାଉ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋତେ ପୁଣି ଏଠି ଭାଇ ଆମର ଓରେଲ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାଉଥିବେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରିବାର ମଧ୍ୟକୁ ଯାଇଥାଉ, ପରିବାରରେ ଅନେକ ପରିବାରରେ ମୁହଁ କ'ଣ ହୁଏ, ବିଷନ୍ନ ହୋଇଯାଏ, ଏ ଆସିଗଲା ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ମାଗିବା ପାଇଁ। ଲେଖାଯାଏ, କୁଣ୍ଠିତ ମନରେ ନୁହେଁ, ଯଦି ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖାଯାଏ, ଅବା ବାଧ୍ୟ ବାଧକତାରେ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ, ଜବରଦସ୍ତି ନୁହେଁ, ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ରାଉତ ଭାଇ ଆସିଛନ୍ତି କିଛି ମୋତେ ଦେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ, ନଟ୍ ଆଟ୍ ଅଲ୍, ବାଧ୍ୟ ବାଧକତାରେ ନୁହେଁ କିମ୍ବା କୁଣ୍ଠିତ ମନରେ ନୁହେଁ, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ହୃଷ୍ଟଚିତ ଦାତାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ହି ଲଭ୍ସ୍ ଦ ଚିୟରଫୁଲ୍ ଗିଭର୍, ଯେଉଁମାନେ ହୃଷ୍ଟଚିତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦାନ କରନ୍ତି ତାହାକୁ ହିଁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସେଦିନ ବିଧବାର ଦାନକୁ ଆଉ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଦାନ ଭାବରେ ସେ ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେଇ ଅଭ୍ୟାସ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି, ସେଇ ହାବିଟ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି, ସେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ଯେ ଆମେ
ହୃଷ୍ଟ ଚିତ୍ତରେ ତାହାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଓ ଧାର୍ମିକତା ପାଇଁ ଆମମାନେ କ'ଣ କରୁ ନା ଦାନ କରୁ। ପାଳକ ବାବୁ ଆଜି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ବସି ବସି ଶୁଣୁଥିଲି। ପ୍ରକୃତରେ ପାଳକ ବାବୁ କ'ଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, କହିଲେ କେବଳ ଆଉ କେବଳ ତୁମରି ରାଜ୍ୟ ଓ ଧାର୍ମିକତା ନିମନ୍ତେ ଏହା ବ୍ୟବହୃତ ହେଉ। ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଦାନ ଦେବାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ, ଯେତେ ଯେଉଁ ଭାବରେ ଦେବେ ସେଇ ଭାବରେ, କାରଣ ଈଶ୍ୱର କାହାର ଋଣୀ ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ କାହାର ଋଣୀ ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଭାବରେ ଆପଣ ଦାନ କରିବେ ସେଇ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇନ୍ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦେବେ, ସେ କେବେ ହେଁ କାହାର ଋଣୀ ନୁହନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଉ ଦେବା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ନିବେଦନ ମୁଁ ପୁଣି କରିବି, ଯେ ଦେବା ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହକାରେ ଦିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହକାରେ ଦିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଦାନ ତୁମରି ରାଜ୍ୟ ଓ ଧାର୍ମିକତା ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ସାତଟି ବିଷୟ କହି ଶେଷ କଲି, ସାତଟି ବିଷୟ, ସାତଟି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍, ସାତଟି ଅଭ୍ୟାସ, ଯାହା ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ନିହାତି ସହାୟକ ବିଷୟ ଅଛେ। ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ବୋଧେ ତିନିଟା କି ଚାରୋଟି ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଜମା ହେବନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଆଣିନି। ତେବେ ଯାଉ, ଏଇ ସାତଟି ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଠାରୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ, ଆମେ କ'ଣ ହେବା, କ'ଣ କରିବା ଦରକାର, କେଉଁ ବିଷୟରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ଦରକାର। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଭରସା କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ନିୟମିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ତୃତୀୟ ବିଷୟ, ନିୟମିତ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ହେବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ, କ୍ଷମା ଦେବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ଷଷ୍ଠ ବିଷୟ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଧରି ରଖିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ଆଉ ସପ୍ତମ ବିଷୟ, ଦାନ ଦେବାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକ ଈଶ୍ୱ ମଲାଖି ତାର ବୋଧେ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ପନ୍ଦର ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯେ ମୁଁ ତାକୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରେ ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଲେଖାଯାଏ, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପଛରେ ଏକ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବଂଶର ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଆଦମ ଆଉ ହବାଙ୍କୁ ସେ ଏକାଠି କଲେ, ଆଉ ଏକତ୍ର କରିକି ଯେତେବେଳେ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ହେଲା, ତଦ୍ୱାରା ଆସ୍ତେ 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 ଜଗତ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ଆଉ ଏ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପାଇଲୁ। ତାହାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, ସେ ଈଶ୍ୱର ଏକ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବଂଶର ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଆମ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବଂଶକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ, ମୋ ଦ୍ୱାରା ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକର ବିଷୟ, ନହେଲେ କେବଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ନାମଧାରୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ତମାନେ କିଏ, ତମାନେ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଆରେ ତମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଲେଖାଯାଏ କେହି ତୁମ୍ଭକୁ ତୁଚ୍ଛ ନ କରୁ। ଆଜି ଅନେକ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ତୁଚ୍ଛ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏକ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଜୀବନ ବା ଗଡ଼ଲି ଲାଇଫ୍ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଆଜି ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଗଡ଼ଲି ଲାଇଫ୍ ରହନ୍ତା, ତାହେଲେ କେହି ଆମମାନଙ୍କୁ କେବେ ହେଁ ତୁଚ୍ଛ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଅଳ୍ପ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।